मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और हो चुकी है हमारे दिन की शुरुआत हमारे सुबह के कामों से। तो यहाँ हम लगा लेते हैं सुबह सुबह झाड़ू सबसे पहले। और आज बच्चों की छुट्टी थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग था स्कूल पर, तो उनका ऑफ था स्कूल, इस वजह से आज हम पहले झाड़ू लगाने ही आ गए हैं। नहीं वैसे तो सुबह उठकर बस पहला काम यही होता है बच्चों को लंच तैयार करना, लेकिन आज छुट्टी थी इस वजह से हम आ गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं। वैसे हम झाड़ू पहले ही लगाते हैं, सबसे पहले बाहर गेट पर ही और भगवान के कमरे पे, फिर उसके बाद बाकी सारे घर पे लगाते हैं। तो लेकिन बच्चों के लंच तैयार करने के बाद ही लगा पाते हैं, लेकिन आज पहले आ गए हैं तो लगा लेते हैं झाड़ू और मिलती हूँ आपसे। हमारी झाड़ू लग गई थी तो हम यहाँ चबूतरे को धो देते हैं, क्योंकि गांव में रीत होती है झाड़ू लगाने के बाद चबूतरे को गोबर से लिपाई किया जाता है, लेकिन हमारा तो कच्ची मिट्टी का नहीं है, इस वजह से हम धो ही देते हैं, जिसे उरिया डालना कहते हैं। तो हम उरिया तो नहीं डाल पाते, लेकिन पानी से उसको ज़रूर धो देते हैं। और अब विंटर है तो रोज़ डेली नहीं धोते हैं, कभी कभार धो देते हैं एक दो दिन बाद। और फिर देखिए हमारा सारा काम हो चुका था, तो हम नहा धोकर आ गए हैं ऊपर कपड़े लेकर, तो यहाँ कपड़े भी फैला देंगे। और इसके बाद पानी भी साथ में ले आए थे, क्योंकि आज खाना हम ऊपर ही बनाएंगे और ठंडियाँ हैं, ठंडी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो धूप में तो बहुत ही अच्छा लगता है खाना बनाने में, कुछ भी काम करने में। तो आज हम ऊपर ही बनाएंगे चने का साग और बाजरे की रोटी, इसीलिए हम सारा सामान धीरे धीरे करके ऊपर ले आए हैं और अब चूल्हे में आंच दे देते हैं और इसके बाद बनाएंगे अपना चने का साग। तो हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी और उसमें थोड़ा सा तेल डाला है, और इसके बाद डालेंगे उसमें लहसुन और हींग और हरी मिर्ची डालेंगे, और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे मूंग की दाल छिलके वाली, और बस पानी डालकर ढककर पकने देंगे, और बस बाद में कटा हुआ साग डाल देंगे इसमें चने का। तो हम वही बना रहे हैं देखिए। और हमने तीन चार आलू भी ला के रख लिए हैं, टमाटर भी ले आए हैं, तो इसी में भून लेंगे टमाटर आलू और बैंगन, क्योंकि चूल्हे में भुना हुआ टमाटर और आलू बैंगन का भरता बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो जिनको भाजी नहीं खानी होगी वो भरता खा लेगा, तो वही हम ये भी लेकर आए हैं, तो इसी में वो भी भूनते जाएंगे चिमटे से पकड़कर, तो हमारा दोनों काम एक साथ हो जाएगा, भरता भी हमारा भून जाएगा और हमारा चने का साग भी बन जाएगा। देखिए तो हमने मूँग की दाल इसमें डाल दी है और इसको अच्छे से बढ़िया भून लेंगे, और इसके बाद डाल देंगे इसमें पानी। इधर हमने अपनी दाल वगैरह पकने के लिए रख दी है चने का साग बनाने के लिए, और इधर साग भी लेकर आए थे ऊपर ही, तो इसको भी यहाँ पर झड़ाकर साफ कर लेंगे अच्छे से, ताकि इसमें कोई कीड़ा ईड़ा ना हो। और इसको ऐसे ही झड़ाकर साफ किया जाता है, इसको जो है अगर ज़्यादा गंदा होता है तो ही धोते हैं, नहीं तो वरना ये एकदम पंचूटा पंचूटा सा बनता है, अच्छा नहीं बनता। तो बस इसको ऐसे साफ करके काट लेंगे इसको हंसिए से, महीन महीन, और ये हंसिए से ही काटते बनता है, चाकू से बिल्कुल भी महीन काटते नहीं बनता है। तो देखिए हम इसको काट लेते हैं इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा करके हाथ में लेके, और बस काट लेंगे। और बस इसको जो हमने दाल चढ़ाई उधर पकने के लिए, बस वो जब दाल पक जाएगी तब उसमें ये चने का साग है, उसमें आटा मिला के चने के साग में बस उसमें डाल देंगे, तो हमारा चने का साग तैयार हो जाएगा। और ठंड में जो है चने का साग और बाजरे की रोटी हो या जुंडी की ज्वार की रोटी हो, अगर ये मिल जाए तो खाने में तो क्या ही कहने, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में सर्दियों में यही खाना। तो बस काट लेते हैं अपना चने का साग और फिर मिलते हैं आपसे।
तो देखिए हमारा चने का साग बनकर तैयार हो गया है। और फिर बना लेते हैं रोटियां। तो हमने थोड़ी बहुत रोटियां गेहूं के आटे की बनाई थी बच्चों के लिए, क्योंकि उनको जो है बाजरे की रोटियां और ये ज्वार की रोटियां ना बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, और तो है इसीलिए हमने गेहूं की रोटियां बना ली थी उनके लिए। और फिर इसके बाद थोड़ी बहुत बनाएंगे बाजरे की रोटियाँ। हमें तो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं हमारे हमारे क्या वैसे बच्चे ज़्यादा पसंद ही नहीं करते ऐसी मोटी रोटियाँ खाना। तो देखिए हमने गेहूं की रोटी बना ली है और अब बनाएंगे देखिए बाजरे की आटे की रोटियाँ, एकदम करारी करारी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो नए भाई बहन आते हैं चैनल में वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए हमारी बाजरे की यम्मी यम्मी रोटियां बन के तैयार हैं, आइए आप लोग खा लीजिए। तो बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।